हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जिट वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टिविटी। इसके पहले हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड वीआई ग्राफ, और वहां पे हमने पढ़ा था ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर भी। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का रजिस्टिविटी। स्टार्ट करते हैं रजिस्टिविटी से। हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि यदि इफ द लेंथ गेट्स डबल देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट्स डबल। ये चीज़ क्लियर है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम लेंथ को ट्वाइस कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया बढ़ने का सिंपल सा मतलब हम यह समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सॉरी रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं रेडियस को दोगुना कर दूं, तो उसका असर रेजिस्टेंस पे क्या होगा। रेडियस को अगर मैं दोगुना करता हूं तो तुम ध्यान से देखो यहां पे, तो ये 1/π r के जगह पे अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 4। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि इफ रेडियस गेट्स डबल्ड, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देन रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स। क्लियर, अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। और अगर मैं रेडियस को 3 गुना कर देता हूं, इफ रेडियस गेट्स थ्राइस देन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। ये चीज़ क्लियर है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और सेकेंड था, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब कि जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। जैसे आपने रेडियस को ट्वाइस किया तो वो कितना हो गया, वो 1/4 टाइम हो गया। अगर आपने रेडियस को थ्राइस कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस 1/9 हो गया। क्लियर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 था उसको कंबाइन कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस था हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के और इन्वर्सली हो गया एरिया के। अब मुझे इस साइन को हटाना है, तो इस साइन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम पढ़ते हैं रो, और ये हो जाएगा रो एल बाई ए। ये चीज क्लियर है, क्या हो गया, ये रो एल बाई ए। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा,
रेजिस्टिविटी, इसको हम पढ़ते हैं रो, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। ये आपका है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये आपका है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये रहा आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए बाई एल। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं, मान के चलो कि हमारे पास जो है एक वायर कंडक्टर है जिसका एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर। हमें मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया कितना है, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास उसका लेंथ है वो कितना है, वो है 1 मीटर। तो अगर मैं इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन का नाम लिख लो, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मैं अगर इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 3 में रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 1/1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ से जो है हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहाँ पे कि जब मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ को 1 मीटर कर दिया, तो वहाँ पर मेरा जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपका रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ से आप जो है रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और वहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए। इसी फॉर्मूला से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और देखेंगे कि लेंथ और एरिया बढ़ाने, इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके लेंथ को मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेंथ को जो है उसको मैं ट्वाइस कर दे रहा हूँ, मतलब 2 गुना कर दे रहा हूँ, और उसका रेडियस को क्या कर दूँ, रेडियस को हाफ कर दूँ। उस टाइम रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, ये हर एक मटेरियल का एक फिक्स वैल्यू है जो आपको गिवेन होगा, तो ये समझिए एक तरह से कि कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे इसको अभी। तो मैं लेंथ को ट्वाइस कर रहा हूं, मैंने लेंथ को कर दिया 2L, और मैंने रेडियस को क्या कर दिया, या मैं रेडियस नहीं, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं यहां पे, तो मैं जैसे लेंथ को ट्वाइस कर रहा हूं तो मैं यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दे रहा हूं। हाफ करने का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a बाई 2। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा इसका, रेजिस्टेंस पे असर पड़ेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4L बाई ए। तो जब मैं लेंथ को ट्वाइस कर रहा हूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर रहा हूं, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, वो 4 times हो जा रहा है पहले के। पहले अगर रेजिस्टेंस L बाई ए था तो इस बार उसका लेंथ 2 गुना करने और एरिया को हाफ करने के बाद जो उसका नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो 4 times बढ़ जा रहा है प्रीवियस 1 की। ये चीज क्लियर हो गया यहां से,
कि आप जब लेंथ को ट्वाइस कर रहे हैं और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक नया रेजिस्टेंस मिल रहा है, और उस नए रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 4 times हो जा रहा है प्रीवियस वन रेजिस्टेंस के। एक और केस ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मैं रेडियस को सॉरी अगर मैं लेंथ को थ्राइस कर दे रहा हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो प्रीवियस के एरिया के 1/3 times हो जा रहा है। तो अब रेजिस्टेंस का क्या असर होगा वो देख लो। रेजिस्टेंस जो है ये तो आपका जो मटेरियल है उसका फिक्स रहेगा, आपने लेंथ को कर दिया थ्राइस और जो आपका एरिया है उसको आपने कर दिया 1/3। तो रेजिस्टेंस पे उसका क्या असर पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस पे असर ये होगा, रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 9 times प्रीवियस वन। ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ ट्वाइस करते हैं और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है वो होता है 4 times प्रीवियस वन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अगर मैं लेंथ को थ्राइस कर देता हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 9 times हो जाता है प्रीवियस वन के। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अभी कभी कभी न्यूमेरिकल में एक टर्म हमें इंकाउंटर हो जाता है और वो टर्म है डबल ऑन इटसेल्फ। वो टर्म क्या है, डबल ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब समझ लेते हैं कि कहीं अगर लिखा हो कि इफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो इसका लेंथ है, जो कंडक्टर का लेंथ है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर गेट्स अगर कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो कंडक्टर का कितना हो गया है, वो हाफ हो गया है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गेट्स डबल्ड। क्लियर है। अगर कहीं लिखा है कि एक वायर जो है वो डबल ऑन इटसेल्फ हो गया है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उसका लेंथ क्या हो गया है, हाफ हो गया है और एरिया क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो रेजिस्टेंस पे उसका क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। हमने अभी लिखा था फॉर्मूला R = ρL/A। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो लेंथ है वो हाफ हो गया, तो R = ρ, मैं L के जगह पे L/2 लिखूंगा और A के जगह पे क्या लिखूंगा, तो एरिया इसका कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो ये हो गया 2A। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, 1/4 L/A। तो इस कंडीशन में जब भी आपसे कोई बोल रहा हो कि जो वायर है वो डबल ऑन इटसेल्फ है, तो रेजिस्टेंस जो है उसका, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा ऑफ द प्रीवियस वन। ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। ये क्लियर हो गया। डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 times हो जाता है किसके, प्रीवियस वन के। एक और चीज ध्यान में रखिए
कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ हमने डबल किया, ध्यान से देखिएगा, लेंथ हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जब लेंथ डबल किया तो उसका एरिया क्या कर दिया हमने, एरिया कर दिया हाफ। अभी हमने पढ़ा है कि लेंथ डबल हो और एरिया हाफ हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा किसके, प्रीवियस रेजिस्टेंस के, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स होगा किसके, प्रीवियस रेजिस्टेंस के। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, किसी कंडक्टर को मैं खींच के अगर बढ़ा देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसका लेंथ बढ़ गया, उसका एरिया डिक्रीज हो गया। लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो कॉन्स्टेंट है, और वो क्या है, और वो है कांस्टेंट, क्या होता है, वो वॉल्यूम है। उस कंडक्टर का वॉल्यूम जो है रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका यूज हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो करेंगे कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करके उसके लेंथ को ट्वाइस कर देते हैं, उसके एरिया को हाफ कर देते हैं, तो एक चीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो क्या है, वो है उस कंडक्टर का, उस वायर का वॉल्यूम। क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं। अभी पीछे हमने किया था कि रेजिस्टिविटी जो है वो R A बाई L के बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर है, जहाँ पे कि R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के लिए, देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमने पहले पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। एरिया का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट वो होगा मीटर। अब देखिए यहाँ से एक मीटर कैंसिल तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको नोट कर लीजिए, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। और हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रेजिस्टिविटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है वो है मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। वैसे भी हम कंडक्शन के लिए मेटल और एलॉय का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल के का जो रेजिस्टिविटी होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, और एलॉय का थोड़ा सा अलग होता है, मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैपिंग होता है। तो हम यहाँ पे उसको नोट कर देते हैं कि जो मेटल है, मेटल एंड एलॉयज रेजिस्टिविटी varies from 10^-8 ohm meter to 10^-6 ohm meter। अगर मेटल और एलॉय की बात करें तो अगर हम यहाँ पे इंसुलेटर का जिक्र करें तो उनका जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी करता है 10^12 ओम मीटर टू 10^17 ओम मीटर। ये रेंज है किसका, रेजिस्टिविटी का, मेटल का और एलॉय का। अगर हमें कहीं हीटिंग के लिए कोई मेटल कंडक्टर चाहिए होगा तो हम वहाँ प्रेफर करते हैं एलॉयज को, क्यों, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी जो है वो 10^6 के रेंज में आता है। क्लियर है, हम आगे कवर करेंगे उसको।
तो ये रहा पहला है, पहला जो था फैक्टर वो था मटेरियल, और दूसरा जो है फैक्टर वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कहने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला है आपका मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर और दूसरा है आपका टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी मटेरियल का क्या होते रहेगा, इंक्रीज करते रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। क्लियर है, यही वो दो फैक्टर जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का डायमेंशन या शेप और साइज को अगर बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप मटेरियल को चेंज करते हैं या फिर अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वैरी करेगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए रेजिस्टिविटी पे बेस्ड एक आसान सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। मतलब कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसका, एक हमारे पास कॉपर वायर गिवन है जिसका लेंथ है कितना 1 किलोमीटर और जिसका रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है 1.72 × 10⁻¹⁸। चलिए तो क्या क्या गिवन है, पहले इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है लेंथ, लेंथ है 1 किलोमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। चलिए रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस हमारे पास है 1 mm, इसको 1 mm तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। जब हम मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास। अगला हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी कॉपर का कितना गिवन है 1.72 × 10⁻¹⁸। अब हम फॉर्मूला की तरफ देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करने वाला है, तो वो फॉर्मूला रहा ये, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, और मैं यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा चेंजेज रेडियस में ही होगा तो इसलिए हम एरिया की जगह पे क्या लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3.14 × आर का स्क्वायर है, तो आर का, आर हमारे पास है 10⁻³, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶। अब चुपचाप आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपको रेजिस्टिविटी गिवन है वो है 1.72 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है 1000 मीटर, और एरिया कितना है, तो एरिया है 3.14 × 10⁻⁶। अब देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आंसर है वो 5.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा यहाँ से ओम। ये रहा आपका इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आई होप आपको रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया होगा,
एक बार इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए तो और ज़्यादा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्लास टेंथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।